हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये जो रिको एफिको एमपी 1600 एलई का जो मॉडल है उसका जो बोर्ड है, यानी कि बोर्ड का जो स्विचेस थे, ये वाले स्विचेस ख़राब हो गए थे। तो हम ये इसका पार्ट टू बना रहे हैं। उम्मीद है आपको पार्ट वन समझ में आया होगा। तो अब ये उसका ओपन करने का तरीका पार्ट वन में बता दिए थे, तो अब ये पार्ट टू में हम इसको रिपेयर करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो अब ये सारे स्क्रूज हमारे पहले ओपन करना है। ये वाला स्क्रू, ये सारे स्क्रू ओपन करना है, उसके बाद में हम बोर्ड बाहर निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्क्रूज खोलने के बाद में इसको आहिस्ते से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका स्क्रीन है, और जो हमारे स्विच जो रिपेयर करना है, और वो स्विच देखिए ये वाला स्विच है। तो इसको मल्टीमीटर से पहले टेस्ट कर लेना कि ये बराबर है नहीं है। अगर बराबर है तो ठीक है, फिर भी चेंज करना है उसको। अगर बराबर नहीं है तब भी जो है ना इसको चेंज करना ही करना है, क्योंकि ये डस्ट से देखिए आप इसके कलर्स देखिए ख़राब हो गए, और ये पूरा रस्टेड हो गया पूरा है। आपको दिख रहा नहीं इसमें, लेकिन ये पूरा रस्टेड हो गया है। ठीक है, अब पहले तो मैं इसको टेस्टिंग मीटर से टेस्ट करूँगा। अब मैं अकेला हूँ तो मैं कैसा टेस्ट करके बताऊँ आपको, लेकिन आप उसको टेस्ट कर लेना चाहिए एक बार जब भी आप स्विच चेंज कर रहे हैं। और ये वाला जो है ना, ये दोनों स्विच एक ही काम करते। ये भी जेरोक्स का जो मेन बटन है, ये भी वही है, और ये भी वही सेम बटन है। ठीक है, तो हम इसके अंदर दूसरे स्विच लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा स्विच कौन से है वो। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये वाले स्विच है इसमें, तो मैंने शॉप से परचेस किया है। ये पर स्विच 6 रुपीज़ में पड़ता है ये, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम। और ये वाला स्विच और ये वाला स्विच, हमारे कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्विच सेम होना चाहिए। ये 4 लेग्स का है, ये देखिए आप, 4 लेग है इसमें, 2 2+2, ये 4 लेग का है ये। तो ये वाला स्विच इसको मैच कर लेगा। तो ठीक है, हम इसके प्लेस में इसको डालेंगे, यहाँ पे इसकी ये प्लेस में ये स्विच लगाएंगे। ठीक है, मैं अभी ये दो स्विच ये एक बदल के मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि टेस्ट करके आपको बताऊँ कि ये कैसा काम करता है और वर्किंग है या नहीं है। डिजिटल मीटर से हम टेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं इसके अंदर स्विच में यहाँ पे लगाकर प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीमीटर से कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा वाला बताऊँगा जो कि चालू वाला स्विच है। ये देखिए फ्रेंड, ये दूसरा वाला स्विच है जो कि हम प्रेस कर रहे हैं, आपको बीप की साउंड आ रही होगी। ये वाला चालू है, लेकिन हम ये दोनों को चेंज कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये टेस्टिंग मीटर जो है ना, डिजिटल टेस्टिंग मीटर है, हम इससे चेक कर रहे हैं। तो आप ध्यान में रखें, इसको बीप साउंड पे रख लें। और इसको टेस्ट करने का तरीका स्विच का बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पर एक यहाँ पर ये माइनस प्लस कहीं पर भी ये लगा लें दोलियों पर, और ये बटन को प्रेस कर लें तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि अगर ये यहाँ पर लगाने से, अब देखिए अब ये दोनों को लगाने से आपका क्या होगा, स्विच ऑन है या नहीं है बोल के मीटर में बताएगा, या तो बीप साउंड करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसका स्विच यहाँ पर दबा के देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बीप साउंड बाज में कर रहा है और बाज में नहीं कर रहा है। तो ये वाला भी स्विच ख़राब है, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा है, लेकिन हम ये दो स्विच को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब चेंज करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये दो स्विचेस चेंज किए हैं इसके, और ये वाले स्विच थे इसके अंदर, तो ये दो वाले स्विच हमने इसके अंदर बदले हैं। तो अभी मैं इसको वापस से फिटिंग कर दूंगा, फिर उसके बाद में हम इसका टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये खाली दो स्विच चेंज करें हम। अब इनमें से भी कुछ है प्रॉब्लम्स, लेकिन अब प्रेजेंट तो हमारे ये चीज़ की ज़रूरत है जो मेन स्विच है। ठीक है, फिट करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जैसा था वैसे ही कॉपी, सेम एज इट इज़ हमने फिक्स कर दिया है इसको। ठीक है, अब मैं इसको वापस से कवर लगाऊंगा, और कवर लगा के मशीन में फिट करके बताऊंगा आपको कैसा है इसका परफॉर्मेंस, कैसा है, और ये स्विच काम करता है या नहीं काम करता है। ठीक है दोस्त, चलिए फ्रेंड टेस्टिंग शुरू करते हैं। जैसे कि वैसे फिक्स हो गया अभी ये। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पेपर लगाए हैं, एक पेपर लगा कर चेक करेंगे। ठीक है, अभी इसको ऑन करेंगे हम यहाँ से। ये मॉनिटर देखिए हमारा अच्छे से ऑन हो गया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे, ये लाइट
अभी देखिए आप, मैं इसको प्रेस करूँगा, ये देखिए बटन हमारा ठीक से काम कर गया, यानी ये प्रॉब्लम जो था, ये बटन का प्रॉब्लम था। ये देखिए हमारा जेरोक्स भी आ चुका है। तो अभी सिंपल सा प्रॉब्लम था इसमें, ये जो स्विचेस है, यानी कि इसके नीचे वाले स्विचेस को हमने दो स्विच आते हैं इसमें, और दोनों के दोनों स्विच चेंज कर लिए, और यहाँ का भी कुछ स्विचेस प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट तो हमारे को ज़रूरत इसकी है, तो हम इसका स्विच जैसा चेंज करें, ये सारे स्विचेस को वैसे ही चेंज करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूरी भी, तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सका तो कमेंट करिए, क्योंकि अब आप जब तक कमेंट करेंगे नहीं तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे, और आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे अगर आप हमको कुछ कमेंट में बताएंगे तो। ठीक है दोस्त, थैंक यू वेरी मच।